अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी ऑमलेट वाला सैंडविच। इनको बहुत ही मज़ा आएगा इसको बनाने का भी और खाने का भी। तो चले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसके लिए सबसे पहले हम लोग इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। तो चल देखते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है एक अदद अंडा, ठीक है, एक अंडा ले लेंगे और थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा प्याज, थोड़े से टमाटर और थोड़ी सी यहाँ पर मैंने बंद गोभी ले ली है और नमक मिर्च वगैरह में हमने नमक ले लिया है, कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च और तीन ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए मैंने। इनको जो है वो सर्कल शेप में काट लिया है, राउंड शेप में, ठीक है। आप चाहें तो किसी भी शेप में कर सकते हैं, पर मैंने इसको राउंड शेप में काटा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस रेसिपी को। तो सबसे पहले इस अंडे को मैं तोड़ूंगी। अच्छे से भी बीट कर लूंगी। देखिए थोड़ा सा मैंने बीट कर लिया क्योंकि जब हमने बाकी चीजें डाली तभी उसको थोड़ा सा मिक्स करना है, तो इसलिए मैंने अभी थोड़ा किया, थोड़ी सी कसर बाकी है। अच्छा थोड़े से हम लोग डालेंगे प्याज, बहुत ही मजे की बनती है ये रेसिपी और मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप ये रेसिपी जरूर बनाएं, ये खास बच्चों के लिए है। ठीक है थोड़ा सा धनिया हम स्प्रिंकल करेंगे, धनिया और इसमें मैंने जो है वो लाल मिर्च भी की है। तो जैसे हम टमाटर ऐड करेंगे, थोड़ी सी हम बंद गोभी ऐड करेंगे, मतलब आप इसमें शिमला मिर्च भी यूज कर सकते हैं, हरा प्याज भी यूज कर सकते हैं, पर मेरे घर में जो जो वेजिटेबल्स अवेलेबल थी मैंने वो यूज किया। ठीक है अभी थोड़ा इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें वेजिटेबल्स आती हैं, ये बहुत हेल्दी है बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी और बहुत टेस्टी बनता है, तो आप इसको जरूर ट्राई करें। अब कुछ हम लोग नमक मिर्च वगैरह डाल लेते हैं। ठीक है ये वही हमारे जो है वो स्पाइसेस हैं जो कि नॉर्मल अंडों ऑमलेट में यूज होते हैं। ठीक है वेजिटेबल्स आपको जो पसंद है आप वो डालें, चाहे इसमें से कुछ स्किप करना चाहते हैं वो कर लें, या फिर अपने से कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो कर लें। इसको अच्छे से भी हम मिक्स कर लेते हैं, ये सारे स्पाइसेस जो है ना वो मिक्स हो जाए, उसका एक अच्छा टेस्ट बन जाए। ये हमारा मिनी ऑमलेट सैंडविच है। ठीक है अच्छा ऑमलेट तो हमारा रेडी है, अब हम इसको जो है वो फ्राई कर लेते हैं। चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। देखते हैं कि हमने कितना मज़ेदार ऑमलेट बना लिया है। असली में ये मैंने नहीं बनाया, ये मेरी मामा ने बनाया है, क्योंकि हम बच्चे हैं और हम बच्चों को सेफ्टी करनी चाहिए, सेफ्टी का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए फ्राइंग वाला काम मैं अपनी मामा से करवाती हूँ। तो देखिए कितना मज़े का ये हमारा ऑमलेट लग रहा है और है भी राउंड शेप में जैसे हमारी ब्रेड थी। चले अब हम ब्रेड को रखा हमने इधर
और ब्रेड के ऊपर हम पोन लिख सकते हैं इस तरह से। ब्रेड के ऊपर एक ऑमलेट रखा, इसके ऊपर मैंने एक और लेयर जो है वो ब्रेड की लगा दी। चले जी, अब इसकी दूसरी लेयर पर हम जो है वो वेजिटेबल्स थोड़ी सी मैं चाह रही हूँ कि लगा दूँ, जैसे कि टोमेटो, थोड़ी सी बंद गोभी, बंद गोभी। और अब हम इसके ऊपर लगा देंगे मेयोनीज, थोड़ी सी हम लगाएंगे मेयोनीज। वैसे तो मेयोनीज हमारी सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं है, पर फिर भी कुछ चीज़ों में खा लेनी चाहिए। चलिए अब केचप के लिए, ठीक है, और अब एक और लेयर, एक और जो है वो ब्रेड के लिए आ गई। तो तैयार है हमारा मिनी वेजिटेबल सैंडविच। तो उम्मीद है आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफ़।